सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में 2022 के चुनाव को लेकर जनता से जाना, इस बार किसको बनाएंगे अपना विधायक, किसकी बनेगी सरकार। लोगों ने कहा हमें क्षेत्र का ही नेता चाहिए। आज हम खड़े हैं लखनऊ की सबसे चर्चित विधानसभा सीट सरोजनी नगर पर, जो कि लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां से बसपा ने भी और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन लोगों की निगाह अभी सपा और भाजपा पर टिकी हुई है। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ कुछ खड़े लोगों से। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। आप कितना खुश हैं भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कार्य हुए हैं उससे हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं। और माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई हजार योजनाएँ आई, जो कि गरीबों के लिए और किसानों के लिए, जिससे जैसे कि जो है ग्रामीणों के लिए, जैसे कि फसल बीमा योजना हो गई और गैस चूल्हा योजना हो गई, स्वच्छ भारत अभियान जैसे हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि गरीब किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी इस विधानसभा सीट से, सरोजनी नगर विधानसभा सीट से अभी घोषित नहीं किया, इस पर आपका क्या कहना है? अब टिकट जो है, ये तो सीट का जो है मामला, ये तो पार्टी नेतृत्व का है, ये तो अब एकाध दिन में टिकट क्लियर ही हो जाना है और शीर्ष नेतृत्व तो जिस प्रत्याशी को टिकट देगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह है। तो यहाँ से मतलब आप 5 साल के कार्यकाल में आपको क्या सही लगा, योगी जी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, आप बताइए। योगी जी ने बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए। उन्होंने स्वच्छ भारत में सबको आवास आवंटित करवाया। जो लेडीज बाहर स्वच्छ करने जाती थी उनके लिए उन्होंने लेटरिन बनवाए और तरह तरह की उन्होंने योजनाएं, पेंशन योजनाएं भी दी हैं और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। और ये यहाँ की सीट पर जो अभी मतलब उसमें चल रहा है कि चर्चित के विषय बन चुका है कि यहाँ से किसको दिया जाएगा सीट, किसको घोषित की जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे हिसाब से तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता यहाँ के क्षेत्र का ही कोई मजबूर कद्दावर नेता ढूंढ रही है और कोई बाहर से यहाँ आके चुनाव लड़े वो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। और यहाँ क्षेत्रीय जनता अब की बार भाजपा सरकार जिता रही है। आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। आपका क्या कहना है, योगी के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? उनसे हम बहुत खुश हैं। उन्होंने यहाँ यूपी की बिल्कुल कायाकल्प पलट दी है और उनने सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा था वो ख़त्म कर दिया है। बाकी यहाँ लॉकडाउन में गरीबों को फ्री का भोजन, बिजली सब उनने उपलब्ध करवाया है। और यहाँ से आप प्रत्याशी क्या चाहते हैं कि कौन? हम चाहते हैं कि यहीं के कोई लोकल हों, जैसे राजकुमार सिंह चौहान या इनमें से कोई यहीं का लोकल बंदा जिसे यहाँ की सब समझ। ने जो है ये मामला रहा कि हमारे मंत्री साहिबा जो है माननीय स्वार्थी सिंह जी जो है ये बाल विकास पुष्टाहार मंत्री रही, इनका क्षेत्र विधानसभा 170 लगता है, इन्होंने क्षेत्र में कभी भी दौड़ा नहीं किया और न गरीबों के हाल चाल लिए, ये पोजीशन पे आके खड़ी हो गई और ये फिर भी अगर टिकट मांग रही हैं तो अगर जनता जो है अगर ये आती है मैदान में तो जनता जो है इनको दूध का दूध पानी का हिसाब देगा, क्योंकि इन्होंने जो है न सड़क का कोई विकास किया है, न किसी के गरीबों के घर मिलने गई, न किसी की शादी ब्याह में मिलने जाती थी। ये आलम है कि वो सीधे अपना जो है कुटिया में बनी रहती थी, 5 साल जो है उन्होंने केवल अपना कुटिया में मौज काटा है, बाकी किसी प्रकार का इन्होंने काम नहीं किया है क्षेत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। मैं अश्विनी सिंह, अमन लेखनी न्यूज़।